मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सिक्स आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एट। चैप्टर एट में पेज नंबर 51 पढ़ रहे हैं और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि आप दोनों पापा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं और वहाँ वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है, वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब कि वे अपनी जगह से, अपने राज्य से निकाल दिया गया है उन्हें, और उनके भाई जो थे सुग्रीव के भाई बाली, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया और उनके राज्य को भी छीन लिया, और राज्य को छीन कर उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। निर्वासित मतलब अपने राज्य से निकाल देना। तो सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उसके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी और उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्य सबरी रहती है। आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, जहाँ जहाँ मेरी बुक में अंडरलाइन है आप भी अंडरलाइन करते जाइएगा। उनकी शिष्य सबरी रहती है, आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार कबंध ने श्री राम की सीता की खोज में मदद की और उसने कहा आप वहाँ जाकर के सबरी से अवश्य मिल लें। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुँचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पहले से ही पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। सबरी की कुटिया जो है आश्रम में, सबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी और उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया मतलब, जर्जर काया मतलब शरीर नष्ट हो चुका था। काया मतलब शरीर, जर्जर मतलब नष्ट हुआ शरीर। लेकिन उनकी आंखें ठीक थी, हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई थी। ऋषि ने उन्हें बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुई और उसकी आवभगत किया, मतलब उनका स्वागत किया। श्री राम का सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई। श्री राम को देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा तो तब सबरी ने कहा आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं, जो मतलब कि बंदर हैं वो अद्भुत शक्ति वाले हैं। और सबरी ने राम को आश्वस्त किया। इस तरह सबरी ने राम को कहकर उन्हें आश्वासन प्रदान किया। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता और घट गई थी, मन की शांति लौट आई थी और इस तरह उनका मन जो है शांत हो गया कि अब सीता की का पता मैं लगा लूंगा। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिए।